तो ये होने वाली है विक्की कौशल की अगली हीरोइन। विक्की कौशल इन दिनों बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे चहेते स्टार्स में से एक बने हुए हैं। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही हैं और उनकी एक्टिंग क्रिटिक्स और जनता के दिलों को जीत रही है। उनके हर एक अगले कदम पर सबकी नजर है। वो कौन सी फिल्म कर रहे हैं और किन डायरेक्टर्स से मिल रहे हैं। ऐसे में विक्की की एक और फिल्म की खबर सामने आई है। और बता दें कि इस फिल्म में उनकी हीरोइन मिस कैफ है। मिस कैफ से हमारा मतलब कटरीना कैफ नहीं बल्कि उनकी बहन इसाबेल कैफ है। बता दें कि खुद कटरीना ने अपनी बहन के इस प्रोजेक्ट के बारे में बात की है और बताया है कि उनकी बहन इसाबेल ने हाल ही में अपनी एक फिल्म की शूटिंग खत्म की है जिसमें विक्की भी हैं। वहीं विक्की की तरफ से इस बारे में कोई बात सामने नहीं आई है। दरअसल कटरीना और विक्की हाल ही में एक वीडियो इंटरव्यू में साथ दिखाई दिए जहां दोनों एक दूसरे से उनके करियर और फैमिली के बारे में बात कर रहे थे। और इसी दौरान कटरीना ने बहन इसाबेल के करियर के बारे में भी बात की और बताया कि वो अपनी बहन के लिए बहुत खुश हैं और वो चाहती है कि इसाबेल को लोग बहुत पसंद करें। बताते चलें कि इसाबेल पिछले कई महीनों से बॉलीवुड में अपने डेब्यू की तैयारी कर रही हैं। अभिनेता सूरज पंचोली के साथ उनकी फिल्म टाइम टू डांस की भी घोषणा हो चुकी है। दोनों ने फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है और इसकी कुछ तस्वीरें अपने सोशल अकाउंट पर भी शेयर की है। ऐसे में कटरीना के इस बयान पर यह सवाल खड़ा होता है कि क्या इसाबेल के साथ विक्की की ये कोई और फिल्म है या फिर विक्की टाइम टू डांस में ही कोई रोल कर रहे हैं। वैसे विक्की फिलहाल उधम सिंह की बायोपिक की तैयारी शुरू करने वाले हैं और वहीं कटरीना ने भी सलमान खान के साथ हाल ही में फिल्म भारत की शूटिंग खत्म की है। इसके अलावा विक्की को हाल ही में जी सिने अवार्ड्स में फिल्म संजू में अपने किरदार कमली के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड और कटरीना को फिल्म 01 लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है।